हाय एवरीवन, वेलकम टू वन लाइन। मेरे नाम है नूर। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप पंजाब नेशनल बैंक के माध्यम से गोल्ड लोन लीजिएगा, आपको कितना इंटरेस्ट रेट देना होगा, किस तरीके से आपको रीपेमेंट करना होता है, प्रोसेसिंग चार्जेस कितना इंक्लूडेड रहता है, और भी कई सारी चीज़ें जो कि गोल्ड लोन से जुड़ा हुआ है, डेफिनेटली आपको इस वीडियो में जानकारी में मिल जाएंगे। इसलिए आपको इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। जैसे कि राइट नाउ आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्लियर तरीके से मेंशन किया गया है कि लोन अमाउंट आपको कितना मिल सकता है। लोन अमाउंट आपको 25,000 रुपया से लेके शुरू करके 10 लाख रुपया तक मिल सकता है। गाइज, आपको याद रखना है कि आपका गोल्ड का जो वैल्यू है, उस वैल्यू के 75% अमाउंट ही लोन के तौर पर दिया जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपका गोल्ड वैल्यू 1 लाख रुपया का है, तो मैक्सिमम 75,000 रुपया आपको लोन पे मिल सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट के बारे में क्लियर तरीके से बताया गया है कि बेस रेट जो है वो 8.55% है, यानी कि ऑन एन एवरेज 8.55% इंटरेस्ट आपको देना होगा। प्रोसेसिंग चार्जेस के बारे में देख सकते हैं, यहाँ पे बताया गया है कि 0.75% ऑफ द लोन अमाउंट, यानी कि लोन अमाउंट जो हो रहा है उसका 0.75% तक का आपको प्रोसेसिंग चार्ज देना हो सकता है। मिनिमम अमाउंट 500 रुपया हो सकता है, मैक्सिमम अमाउंट 5,000 रुपया तक ही हो सकता है। और इसी प्रोसेसिंग चार्जेस के अंदर अप्रेजर फी फॉर टेस्टिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट का चार्जेस भी इंक्लूडेड रहता है। नेक्स्ट, यहाँ पे बताया गया कि डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस नील रहेगा, यानी कि डॉक्यूमेंटेशन के लिए कोई भी चार्जेस नहीं देना। और साथ ही साथ आपको याद रखना है कि एक व्यक्ति मैक्सिमम 50 ग्राम्स गोल्ड यूज़ करके लोन ले सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे रीपेमेंट के बारे में क्लियर तरीके से बताया गया है कि रेगुलर सर्विसिंग ऑफ इंटरेस्ट एज एंड व्हेन लिवाइड प्रिंसिपल बिंग रीपेएबल विद इन 12 मंथ्स, यानी कि जैसे आप मंथली इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं, आप उस तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन 12 मंथ्स के अंदर ही अंदर आपको लोन क्लोज कर देना है, यानी कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट देकर आपको 12 मंथ्स में ही लोन अमाउंट कम्प्लीट करवा देना होता है। और साथ ही साथ यहाँ पर बताया गया है कि ODF फैसिलिटी टू बी रिन्यूड एनुअली। अगर आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी यूज़ कर रहे हैं, जैसे CC अकाउंट में होता है कि आप जो भी अमाउंट लोन के तौर पे लिए हैं, उसका जो भी अमाउंट आप यूज़ करते हैं, उसी में सिर्फ आप इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं, अगर ऐसा फैसिलिटी आपने लिए हैं, तो आपको साल भर में वो फैसिलिटी को रिन्यूअल करवाना होता है। नेक्स्ट, रीपेमेंट का जो ऑप्शन है, दैट इज़ अबाउट बुलेट पेमेंट। इसमें क्या होता है कि जब 12 महीना कम्प्लीट हो जाता है, तब जाके, यानी कि मैच्योरिटी पीरियड कम्प्लीट होने के बाद ही बाद, आप प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट देकर लोन क्लोज कर सकते हैं। इसी तरीके से आप पंजाब नेशनल बैंक के माध्यम से गोल्ड लोन की सुविधा ले सकते हैं। गाइज, आई एम श्योर यू लाइक्ड दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, प्लीज़ कमेंट इन द बिलो बॉक्स। थैंक यू।